इधर देखें जी, तवज्जो से आज का लेक्चर सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज आप पढ़ेंगे ना तो उसी की बेस पे ही पूरा चैप्टर चलेगा आपका। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 है, 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी आपको नजर भी आ रही है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है। इन एक्स वाई प्लेन पर हमें ये ग्राफ बनाना है। तो जो हमें उसने इनइक्वालिटी दी है, कैसे नहीं है जी बोले, क्वाड्रेटिक कैसे नहीं है, मतलब साइन साइन और वो नहीं ऐसे। क्वाड्रेटिक क्या है, वो स्केयर में होता है। अच्छा ठीक है, तो इनइक्वालिटी आपके पास ये वाली है तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं जी। 1 का गिवन इनइक्वालिटी इज 1। तो पहले सवाल को कंप्लीट समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ये हो कैसे रहा, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये है कि आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन आप एंड में मुझसे पहले कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी का नाम है, तो यहां देख रहे हैं एसोसिएटेड इनइक्वालिटी से कोई भी ग्राफ नहीं बनता। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज, वो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होता है, 3x + 7y = 21। ये देखो जी, हमने इसी को इक्वल का साइन दे दिया जी, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। एसोसिएटेड क्यों लिखा, एसोसिएटेड इससे लिंक्ड होती है ये, मतलब इसी से ही निकाली गई है। सही है, अपनी तरफ से तो नहीं बनाई ना। अच्छा मैथ यही कहती है। हाँ, फॉर अब इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब भी आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप ना इसमें पुट करेंगे जी, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो को। जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई जीरो होगा, जब वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जीरो होगा। इन इसमें टू में, टू में जब टू में करने वाले में क्या होगा, 3x + 7y की वैल्यू थी 0 = 21, 3x = 21 और x की वैल्यू आ गई 7। जब यहां x 0 पुट करेंगे तो यहां आ गया 0 + 7y = 21, 7y = 21, y की वैल्यू आ गई 3। ये आ गया, जब भी x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x 0 पुट करेंगे। मैंने इसी में x 0 पुट कर दिया, इसमें जो गिवन था x 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 3 आ गई है। तो यहां देखें, द पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ गिवन इनइक्वालिटी 1 आर, इसके पॉइंट्स कौन कौन से ग्राफ के बन गए हैं, एक है 7 0, एक है 7 0, एक है 0 3 एंड 0 3, 7 0 0 3, ये इसके ग्राफ पॉइंट के बन गए हैं कि इस पॉइंट पर इस लाइन का ग्राफ बनेगा। आगे देखिए यहां, अब अगला स्टेप ये है कि ग्राफ इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, इसको जरा देखना होता है कैसे। व्हेन x = 0 y = 0 इन 1। एक मिनट वेट करें, बात सुने ना। हाँ बोले, ओके बात सुने। वहां पहले 7 पहले लिखा है, 0 बाद में लिखा है, 0 पहले लिखा, 3 बाद में, ये क्या सिस्टम है। x हमेशा पहले आता है, y बाद में आता है, x पहले आता है, y बाद में आता है। ओके हो गया जी, x भी 0 y भी 0 1 में पुट करना है, इसी 1 में पुट करना है। जब हमने 1 में पुट करेंगे तो यहां आएगा 3 0 + 7 0 > 21। ये देखो इसी में पुट कर रहा हूं मैं, इसी में, तो यहां के पास आएगा 0 + 0 > 21, 0 > 21 होता है। इसका मतलब क्या होता है, हेंस ग्राफ ऑफ 1 इज 0, कभी ग्रेटर देन 21 होता है, कभी भी नहीं होता। 0 > 21 नहीं हो सकता, 0 < 21 होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ 1 इज आउटवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन से हट जाएगा, आउटवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
क्योंकि क्या है ये नहीं भैया पहले आउटवर्ड कैसे होगा इनवर्ड कैसे होगा तब होगा जब ये सही स्टेटमेंट होगी, आउटवर्ड तब सही होगा जब मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। सही कैसे होगा मतलब क्या होगा जीरो लेस देन मतलब 0 21 से लेस होगा, जीरो लेस देन 21 होगा तो वो सही होगी सही होगी। अगर 0 ग्रेटर इक्वल 21 होगा तो वो रॉन्ग होगी स्टेटमेंट, तो रॉन्ग है तो वो आउटवर्ड द ओरिजिन होगा। सही है अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं जी, इसी पॉइंट्स में से इसका ऐसे पर शॉर्ट है ये जी, इस चैप्टर में शॉर्ट है या लॉन्ग आता है सर? ये लॉन्ग आते हैं, आप ना बात की कहानी पहले पूछने लग जाती हो, जब तक हमें क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, वो पहला वो पहले क्वेश्चन तो समझो, पेपर में आएगा नहीं आएगा तो बात का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने एक सवाल भी नहीं समझा, पहले ये सवाल के पेपर में आएगा नहीं आएगा, सवाल तो समझो, सदर तो करो। इधर देखो भाई, इसका ग्राफ बनाए, पॉइंट कौन कौन से हैं वो आपको मैंने पहले बताए थे। ये है 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 0 3 वाई की वैल्यू, 1 2 3 एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव या वाई नेगेटिव। पहला पॉइंट है 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 0 आ गया, ये 0 3, 0 3 की तरह इधर होता है, 0 3 इधर होता है, तो ये कितना आ गया, ये है 7 0, ये क्या है 0 3। तो इधर देखें, मैंने वो पॉइंट इधर देखें, वो बने हुए हैं, वो पॉइंट बने हुए हैं जो हमने बनाए थे, आप उनको मिला देना है जी, हमने उन पॉइंट मिला रहे हैं जी, इधर देखें मिला दिया इनको, मिला के एक लाइन बना दी। जब इनको हमने मिला के एक लाइन बनाई है, अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिन जे है, इसे ओरिजिन बोला जाता है, ओरिजिन से इसने ग्राफ ने दूर जाना है, ओरिजिन से दूर जाना है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा आउटवर्ड द ओरिजिन। इधर देखें, ये देखें, इसे बोला जाता है आउटवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन से हटना, ओरिजिन से दूर एक शेड कर दिया इसे ग्राफिकली। सर जी अगर इनवर्ड होता तो नीचे होता। हाँ, ग्राफ ऑफ गिवन इनइक्वालिटी ग्राफ है ये। हाँ बस इतना सा सवाल था, ये तो आ गया समझ में। हाँ ये समझ आ गया, पूरा चैप्टर हो गया। हाँ पूरा चैप्टर इसी तरीके से होना है, यही मेथड होना है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें सिवाय शेड के। क्वेश्चन नंबर जो 1 का है, ये जो पार्ट है ना वो सेकंड है। ओके ये क्या लिखे नीचे, हैंड्स रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड, रिक्वायर्ड हाँ, हैंड्स ग्राफ ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड। शेडेड कैसे किया, ऐसे किया, ओके हो गया इसे। ठीक है जी, अब हम इसका जो है ना वो पार्ट करते हैं जी, फोर्थ पार्ट जो आपने मुझे बताया था, क्या नाम इसका, सेकंड के बाद है फोर्थ पार्ट, हम फोर्थ की तरफ। सर फोर्थ उसका ग्राफ आउटवर्ड होगा सर, फोर्थ का ग्राफ आउटवर्ड होगा, अभी देख लेते हैं जी, आउटवर्ड है इनवर्ड है। फोर्थ का ग्राफ जो है ना लेस देन है, वो इनवर्ड बनेगा, देखना जरा। यस सर वो इनवर्ड है। इधर देखें जी, अब है जो चैप्टर 5 का जो हम पढ़ने अब पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जी। लेट गिवन इनइक्वालिटी इज, गिवन इनइक्वालिटी क्या होगी, गिवन इनइक्वालिटी कितनी होगी जी, अब हम इसे शेयर करते हैं जी। तो इधर देखें जी,
फोर्थ पार्ट इसका है जो है वो है 5x-4y < 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। हमने ना जब ये इसे अब हमने बनाना है जी, ये आ गए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे क्योंकि आपके पास इसका तरीकेकार बिल्कुल वही है, चेंज तो करना नहीं है आपने। तो इधर देखें एसोसिएटेड इक्वेशन, इधर देखें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी 1 इज वो है 5x-4y = 20। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो इधर देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ क्या आएगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 2, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 2। पहले एक्स इंटरसेप्ट फिर वाई इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो y को 0 पुट करेंगे तो 5x-4y = 20। 5x = 20, x = 4। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो 5 = 0 - 4y = 20। -4y = 20, -5। तो इधर देखें, अब आपके पास यहाँ क्या आता है जी, द पॉइंट्स। इधर देखें points of graph of 1 r, तो 1 के जो graph के point बनेंगे वो कितने हैं, 4, 0 and 0 minus 5. When x is equal to 0, y is equal to 0 in 1. अब आप x और y 0 put करके check करेंगे, x और y किस में put करेंगे जी, इसमें पुट करेंगे जी। ये देखो ये वाली क्वेश्चन में, इसमें x 0 is less than 20, तो इसमें जब x और y पुट करेंगे देखेंगे फिर क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। 0 is less than 20। इधर देखें जी, तो आगे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 5 = 0 - 4 = 0 < 21। 0 less than 20 आ गया। Hence graph of 1 is invert the origin, ये invert the origin बनेगा graph इसका, invert the origin। मैं repeat के किए देता हूँ, ये question बहुत ही आसान था। 5x - 4y < 20, इसे 1 का नाम दे दिया, तो यहाँ x intercept put करेंगे तो y 0 आएगा। जब मैंने x intercept किया तो y 0 put कर दिया, 5x = y के लिए क्या थी, यहाँ 0 थी, तो ये 5x = 20, x के लिए 4 आ गई। तो यहाँ के पास आएगा 5, यानी कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल 0, जब x को 0 पुट कर दिया तो ये -4y = 20, y के लिए -5 आ जाएगी। तो पॉइंट्स ऑफ ग्राफ कितना आएगा, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ 4 0 4 0, ये आएगा 0 - 5, ये 0 - 5 आ गया। पॉइंट्स आगे पास आ गया 0 4 0 आ गया और 0 - 5 आ गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट तो आ गए ग्राफ के लिए। अब आप क्या करेंगे यहाँ ना, अब आपने ये चेक करना है कि यहाँ इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, तो less than equal to 20 आ गया। तो 0 less than equal to 20 आ जाता है, तो इसका मतलब है ग्राफ क्या होगा, इनवर्ट द ओरिजिन होगा, इनवर्ट द ओरिजिन। अब हम ग्राफ बनाएं, सर एक नोट कर लें, सर हैं नोट कर लें। हाँ तो नोट कर लें, मैंने ग्राफ बना लूं, चले सर ग्राफ बना लें उसके बाद नोट कर लें। ग्राफ बना लेता हूं जी, ग्राफ के लिए ये पॉइंट है जी, ग्राफ के लिए ये पॉइंट है जी। ये जो ग्राफ था ना वो क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था जी, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज क्या था, 5.1। ठीक है जी, तो आगे पास जो है ना 4 0 है जी, पॉइंट्स ये रहे जी ग्राफ के, ये पॉइंट्स हैं ग्राफ के जी, 4 0 0 - 5। तो ये -5 इसकी वैल्यू होती है, y की होती है, ये x की है, तो हमें ग्राफ का शेड का पता चल जाएगा। ये -5 चाहिए, इधर देखें x के लिए 4 और y के लिए इधर देखें, तो इधर देखें ग्राफ की शक्ल ऐसे बन सकती है। तो ये देखो y के लिए कितनी आएगी, यहाँ देखें x पॉजिटिव या x नेगेटिव, y पॉजिटिव या y नेगेटिव, यहाँ के पास आएगा जी x आएगा 4, ये आएगा 2 3 4, ये आएगा
माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव। ये देखो तो पहला पॉइंट है 40 का, 40 इधर होता है जी, पहला पॉइंट ये आ गया 0 माइनस 5 इधर आ जाता है, तो ये वाला पॉइंट आगे पास आ जाता है 40, ये वाला पॉइंट आ जाता है 0 माइनस 5। तो इधर देखें जी सर, 4 जाके अटैच होगा माइनस 5 के साथ ना, ये देखें ऐसे। यस सर, स्केल यूज करना है आपने, ग्राफ इसका बन गया है ऐसे, ये देखो जी और इनवर्ड, इस ग्राफ इनवर्ड का ओरिजिन इधर देखें, ओरिजिन से टच करना है जाके आपने, ये देखें जी। ये देखें हैंस रिक्वायर्ड, ये देखो जी ग्राफ इज शेडेड, रिक्वायर्ड ग्राफ शेडेड हो गया जी, कैसे शेड हुआ, ऐसे शेड हुआ था, ऐसे शेड, ये शेड हो गया सर। ये कर लें नोट, अगर आप शुरू से खोल दें जल्दी करें, नोट कर लें जी, ये इसका ये नोट कर लें सर, ओनली वन मिनट सर। कौन सा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट? फोर्थ, फोर्थ सर, फोर्थ कर लेंगे तो सेकंड भी खुद ब खुद हो जाए। ये फोर्थ हो गया जी, फोर्थ हो गया, जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाशी से सर। बाकी खुद करेंगे ना दो इसके पार्ट हैं, बाकी दो पार्ट हम करेंगे ना, बाकी ये वाले जी फिफ्थ और सिक्स आप कर। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला है जी, कुस्म वन का फिफ्थ पार्ट, ये कुस्म वन का फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें जरा देखें, आप जरा गौर करें, अगर आपके पास बुक है तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल दिए हुए ना वो ये वाले हैं, और वो है जी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन वाई नहीं है इसमें। ये देखो फिफ्थ पार्ट में ये है, तो उसमें फिफ्थ पार्ट में मैं इसे से करवा रहा हूँ कि इसमें दूसरा वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ जी सर, जब दूसरा वेरिएबल दिया नहीं हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे। तो अब आपके पास जी बोलें कैसे करेंगे सर, सर फिर वेट करें थोड़ा सा, फिर बता देंगे। हाँ फिर बता दें, क्या बता रहे थे अभी, बताया नहीं अभी करने कुछ। अच्छा ये आगे माइनस वन एक्स ग्रेटर इक्वल टू है माइनस वन बाय टू, ये देखें एक्स किलो निकाल लिया आपने, x की वैल्यू उसने कहा कि ये वाली है x की वैल्यू, x greater than equal to minus 1 by 2 आ जाता है जी। जब x greater than equal to minus 1 by 2 है तो अब आप ये देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, minus 1 by 2 है ना, तो हम यहां देख लेते हैं x की वैल्यू बनाते हैं, ग्राफ बना रहे हैं, या x पॉजिटिव होता है या x नेगेटिव होता है, यह x नेगेटिव होता है, यहां y पॉजिटिव होता है या y नेगेटिव होता है, या ना बात सुनो, ये अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव वन है, पॉजिटिव वन उधर होगा, ये कह रहे माइनस वन बाय टू, मतलब माइनस वन टू का मतलब होगा माइनस 0.5, ये 0.1 होगा, 0.2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 इधर होगा, 6 7 8 9 ये 5 इधर है, तो माइनस इसका मतलब है माइनस 0.5, माइनस 0.5 की ये लाइन आ गई है, इसे यूं बोलते हैं माइनस 0.5 की लाइन को, इधर देखें लाइन लगा दें, मैं इसी के ऊपर एक लाइन लगा रहा हूं, इसी के ऊपर एक पॉइंट, ये एक है, क्या लाइन लगा दिया, तो ये लाइन जरी बात है, हर ये जितनी भी वाई एक्सिस की लाइन है तो ये वही वाली लाइन, यही वाली है जी, कंप्लीट है ये मैंने जो लाइन लगाई है ना, ये है माइनस 0.5 वाली लाइन, यानी कि माइनस 1/2 वाली लाइन है, और वो है भी x पर, वो है x पर, x पर कोई पॉइंट होता है वो y के पैरेलल होता है, अकेला पॉइंट जो होता है। अब आप इसका शेड ऐसे कर लें, क्योंकि उसने बोला था ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इस साइड पे होता है, इधर देखो इधर होता है, इस साइड पे x ग्रेटर होता है, इधर इधर सर माइनस टू ग्रेटर देन एक्स है या एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय टू, एक्स ग्रेटर है,
एक्स ग्रेटर उधर होता है, इधर तो लेस होता है, इस साइड पे तो लेस होता है, उधर ग्रेटर होता है। सर अगर 0.5 होता तो फिर इस तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ। माइनस में ना होता तो वही फिर इस तरफ होता, फिर माइनस में तो इधर से बनाते और आगे चले जाते हैं। ठीक है, हेंस इधर देखें, अब ये आगे पास ग्राफ है, हेंस रिक्वायर्ड ग्राफ इज स्टेटेड। इधर देखें, यहां लिखना भी है, हेंस रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड, ऐसे शेड कर दिया ग्राफ को। हमने बताना भी है लाइनों की शक्ल बनाए कैसे यार, क्योंकि कभी हम लाइनें ऐसे बना रहे हैं, कभी ऐसे बना रहे हैं, कभी ऐसे बना रहे हैं, लाइनें तो चेंज होती रहती हैं, लाइनें तो कभी हम ऐसे भी बना लेते हैं इधर है, कभी लाइनें ऐसे भी बना रहे हैं, कभी हम लाइनें ऐसे भी बना रहे हैं, कभी ऐसे भी बनाएंगे, कभी ऐसे भी बनाएंगे, कभी किसी भी शक्ल में भी बनाएंगे, कभी हम ऐसे भी लाइनें बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे। उसे बताना है कि जो हमने एंड वाला ग्राफ बनाया है ना, उसकी शक्ल किस तरह की है, उसकी शक्ल की लाइनें इस तरह वाली है। मैं रिपीट कर सर, रिपीट करेंगे? हाँ रिपीट कर देता हूँ जी। 2x + 1 > 0 इसका मतलब इधर आके -1 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो x > -1/2 आ गया। x > -1/2 है ना, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, 0.5 से ग्रेटर देन है। 0.5 से ग्रेटर देन कैसे होगी, इधर देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इधर आ गया, 0.5 इधर आ गया, तो आप इसको इस साइड पे लेकर चले जाओ इधर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लेकर चले जाओ। तो 0.5 तो बनाए तो उसे उधर लेकर चले गए, जब बना लिया तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड, सिंपल नोट डाउन कर लें भले आप इसे। हो गया सर, टाइम भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया। नो सर कर रहे हैं, एक मिनट। ओके जी, इसे कर लें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल जो लेक्चर होगा 5.1 उसमें एंड हो जाएगी। मुश्किल है सर जी, मैंने सिर्फ आपको अब कॉन्सेप्ट दे दिया है। या सर बाकी सारे क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि ऐसे कैसे हैं सर, वो मुझे यू आर नॉट, मैं मुझे पता है ना, मैंने एक करवाना है और बाकी आपने खुद ही करनी है। ओके हो गया सर, ओके हो गया सर, ये थोड़ा ऊपर करना सर, बस और तो नहीं करना, मैं लीव कर दूं सर। हां ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ले इतनी जल्दी है, रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड।